नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई की राजनीति के सबसे अनुभवी पारंगत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नामदेव भगत के जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए नामदेव भगत मित्र परिवार और शुभचिंतकों द्वारा नेरुल एनआरबी एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के प्रांगण में भव्य अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया। नामदेव भगत ने अपने जन्मदिन के अवसर पर परंपरागत रूप से नेरुल गांव स्थित गांव देवी मंदिर में भगवान के समक्ष मत्था टेक उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात स्कूल प्रांगण में आयोजित भव्य अभिष्ट चिंतन समारोह में उन्होंने शिरकत की, जहां उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने और उनकी लंबी आयु की कामना करने विधायक शशिकांत शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत पाटिल, पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे, ठाणे जिला इंटक अध्यक्ष मिथुन पाटिल, शिवसेना के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले, पूर्व नगर सेवक काशीनाथ पवार समेत शिवसेना के अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नामदेव भगत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने नामदेव भगत के तमाम शुभचिंतक, मित्र परिवार, सामाजिक, राजकीय और शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तिमत्वों ने नामदेव भगत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नामदेव भगत को जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है, यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने विशेषकर नवी मुंबई मनपा सफाई कामगार, कामगार वर्ग, रिक्शा चालक संगठना के पदाधिकारी मौजूद रहे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में नामदेव भगत ने अपने जन्मदिन का केक काटकर इस पल को बेहद अविस्मरणीय पल बना दिया। नामदेव भगत ने अपने जन्मदिन को जनसेवा के दिन के तौर पर समर्पित करते हुए कई सामाजिक उपक्रमों का भी इस दौरान आयोजन किया। अपने जन्मदिन को खास बनाते हुए नामदेव भगत के हाथों स्कूल में एनआरबी स्मार्ट किड्स एक्टिविटी सेंटर का जोरदार शुभारंभ किया गया। मुफ्त आरोग्य बीमा योजना की शुरुआत करते हुए पहले दिन नामदेव भगत के माध्यम से परिसर के 50 परिवारों को 35,000 रुपयों का आरोग्य बीमा कार्ड का वितरण नामदेव भगत ने करते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। वहीं परिसर की विधवा महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए एक भाई का फर्ज अदा कर मुफ्त साड़ी का वितरण कर अपने दायित्व को निभाया। इतना ही नहीं, नवी मुंबई रिक्शा चालक मालक संगठना के साईं बाबा रिक्शा स्टैंड के सौजन्य से लोगों को आयुर्वेदिक छाछ का भी वितरण किया गया, जहां खुद नामदेव भगत ने अपने हाथों से छाछ का वितरण कर इस पल को बेहद यादगार बना दिया। वहीं सामाजिक कार्यों के साथ पर्यावरण के प्रति भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए नेरुल सेक्टर 20 स्थित तालाब परिसर में नामदेव भगत ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां इस दौरान खुद नामदेव भगत के साथ उनके तमाम सहकारियों ने वृक्षारोपण कर समाज में पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया। नामदेव भगत नवी मुंबई की वो धुरंधर नेता हैं, जिन्होंने कभी सिफारिश से नहीं बल्कि अपने दम पर सफलता की हर एक ऊंचाइयों को छुआ है। नामदेव भगत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए विधायक शशिकांत शिंदे ने कहा कि नवी मुंबई में विरले ही ऐसे नेता हैं, जिनका खुद का एक अस्तित्व और खुद का एक राजनीतिक दबदबा रहा है और उन्हीं में से एक नेता है नामदेव भगत। आमचे मित्र, माझे सहकारी, राष्ट्रवादीचे नेते नामदेवजी भगत यांचा आज वाढदिवस, आणि या वाढदिवसाच्या मनापासून मी त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हटलं तर नवी मुंबईमध्ये असे काही नेते आहेत की त्यांचं स्वतःचं एक वलय आहे, स्वतःचं एक कर्तृत्व आहे। ते कोणत्याही पक्षात असो, परंतु त्यांचा असलेल्या वलयाचा फायदा हा नेहमी पक्षाला होत असतो। नामदेवजी भगत हे काँग्रेसमध्ये होते, शिवसेनेमध्ये होते, परंतु स्वतःच्या ताकदीवर त्यांनी एक वेगळ्या प्रकारचं कार्य नेऊन आपली ओळख करून दिलेली आहे।
अति राष्ट्रवादीचे नेते आहेत आणि मला अभिमान आहे की एक चांगला नेता राष्ट्रवादीचा आज नवी मुंबईमध्ये या ठिकाणी नेतृत्व करतो आहे। त्यांच्या येण्याने पक्षाला फार मोठी बळकटी मिळाले। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांचा विचार, अजितदादांचा विचार, जयंत पाटलांचा विचार, सुप्रियाताईंचा विचार ह्या सर्वांच्या माध्यमातून प्रेरित होऊन त्यांनी या ठिकाणी अजितदादांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी काम करण्याची सुरुवात केलेली आहे। भविष्यकाळ फार चांगला आहे आणि एक धडपडणारा कार्यकर्ता म्हणून सर्वसामान्य लोकांच्यासाठी कार्य करणारा कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ओळख आहे। शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये असेल, कार्यक्षेत्रात, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, नवी मुंबईच्या कार्यक्षेत्रामध्ये, महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये एक चांगलं नेतृत्व म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहतो आणि राष्ट्रवादीचा एक नेता म्हणून मला अभिमान आहे की आजच्या या नेतृत्वाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये भविष्यकाळातल्या निवडणुकीला आम्ही महाविकास आघाडीच्यामधून समोर जाणार आहोत आणि आज योगायोगाने निवडणुकीचा माहोल आणि नामदेव भगतांचा हा वाढदिवस हा त्याच एक आम्हाला स्फूर्ती देणारा ठरेल। त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्य आणि कार्यक्रम या नवी मुंबईमध्ये आहेत, त्यामुळे 100% येणाऱ्या काळामध्ये या माझ्या नेत्याच्या माध्यमातून एक चांगल्या प्रकारचं बळ उभं राहील आणि महाविकास आघाडीला यश मिळेल अशी माझी अपेक्षा आहे आणि म्हणून मी आपल्या सर्वांच्या वतीने, नवी मुंबईच्या वतीने, माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबियाच्या वतीने, पक्षाच्या वतीने माझ्या सहकार्याला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्यांचं भविष्य काळामध्ये चांगल्या प्रकारची याहीपेक्षा मोठी चांगली संधी मिळावी, त्यांना कर्तृत्वाला वाव मिळावा अशा प्रकारची सदिच्छा देतो। वहीं नामदेव भगत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज लोगों के प्रेम से ऊर्जा की निर्मिति होती है और इसी ऊर्जा के दम पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का एक नया जोश और उत्साह बढ़ता है। भगत परिवार, मित्र मंडली, ज्या ज्या माझे संस्था आहेत त्या माध्यमातून त्यांचा जो प्रेम लाभतो त्याच्यामुळेच एक ऊर्जा निर्माण होते आणि जेव्हा ऊर्जा निर्माण होते आणि इच्छा शक्ती असेल तेव्हा कुठलंच काम आपल्याला थांबता येत ना थांबत नाही। या शाळेच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी ज्युनियर के जीपासून ते डिग्री कॉलेजपर्यंत आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स, इंग्लिश मीडियम आणि मराठी मीडियम ज्युनियर के जीपासून 10वीपर्यंत, त्याचबरोबर CBC बोर्ड पहिली ज्युनियर के जीपासून ते 12वीपर्यंत अशा ह्या ज्ञानदानाचं काम या संस्थेमध्ये चालू आहे आणि म्हणून भविष्यामध्ये अजूनही चांगलं करण्याची इच्छा आहे। आज ज्यांनी ज्यांनी मला भरभरून शुभेच्छा दिल्या त्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। ब्युरो रिपोर्ट, नवीनबी नेटवर्क। डू यू अस्पायर टू अपग्रेड युअर लिव्हिंग विथ अरिहंत अद्विका, सेक्टर 9, वाशी? अपग्रेड टू आयकॉनिक रेसिडेन्शियल टॉवर,